नमस्कार भैया। सभी लोग को नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस बैच हिंदी का ये पाठ है वाक्य। आज हम पूरा वाक्य समझाएंगे। वाक्य कितने आधारों में बांटा जाता है, कैसे इसके भेद हैं, कितने भेद इसके हैं, भेद के अंदर भेद कितने हैं, उस पर हमारी आपकी पर चर्चा होगी। सभी कॉन्सेंट्रेट कर जाओ अपने आप को। वाक्य पूरा, मेरा वादा है कि वाक्य आपको पूरा तरीके समझ में आ जाएगा। कोई यहाँ बैठा शख्स ये नहीं कह सकता कि वाक्य उसको समझ में नहीं आएगा। हल्का वेट कर लीजिए, वाक्य जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। पहला प्रश्न आ गया, उसको देख लीजिए आप सब। सबको पढ़िए तो कोई भैया प्रश्न। शब्दों के मेल को कहते हैं। मैंने कहा था इससे पहले शब्द पढ़ाया था तो मैंने कहा था वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। हाँ या ना, क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। क्लियर है? और शब्दों के मेल को क्या कहा जाएगा? शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाएगा। इस परिभाषा में वाक्य की कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मैंने कहा सर वर्णों के मेल को शब्द कहा जाएगा। अक्षर अकेला होता है। अक्षर क्या होगा? अकेला होगा। और अक्षरों के मेल को क्या कहा जाएगा? वर्ण को अक्षर कहा जाता है। अक्षरों के मेल को क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। और शब्दों के मेल को क्या कहा जाएगा? वाक्य कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, ये परिभाषा वाक्य की क्लियर हो गई। वाक्य की परिभाषा क्लियर है ना भाई? अब मैंने कहा शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। अब मैं वाक्य का उदाहरण भी दे रहा हूं आप। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य और चार वाक्य। चार वाक्यों को मिलाकर एक, चार शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बना हुआ। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द और चार शब्द। चार शब्द मिलकर क्या बना? एक वाक्य बन गया। और यही मैं कहता राधन मा, यही मैं कहता खाद धन्ना, ये क्या बन जाता? शब्द बन जाता। हाँ या ना? और ये अकेला क्या हो जाता? एक वर्ण हो जाता। क्लियर है? अभी ये बात समझ में आ गई होगी ना? अक्षर अकेला होता है, अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ये क्या बन गया आपका? ये पूरा वाक्य बन गया। मैंने कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। क्लियर है? शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो वर्ड होगा? नहीं होगा इसका। नंबर दो पे क्या होगा? संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं भाई? हाथ खड़ा करो जरा। संकर शब्द किसे कहते हैं? कल बता चुका हूं ना मैं इसको बेटा। बताओ भाई संकर शब्द किसे कहते हैं? मैंने कहा सर यहां लिखा वर्ण, वर्ण मतलब का खा आ ई ऊ या, ये सब क्या है आपके? वर्ण हैं। हिंदी वर्ड वाले कितने अक्षर होते हैं? 52। पिछले वाले आप वीडियो में जाएंगे, पूरा 52 वर्ड कौन कौन से होते हैं साफ साफ मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, आज हमारी आपकी बात हो रही है शब्द पर। मैंने कहा शब्दों के मेल को कहते हैं, वर्ड नहीं कहते ना भाई। नंबर दो क्या है? संकर शब्द। संकर शब्द की परिभाषा क्या है? संकर शब्द का मतलब है दो भाषाओं से मिले शब्द। दो भाषाओं से मिले शब्द क्या कहलाएंगे? संकर शब्द। इसलिए ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। नंबर तीन पे आइए, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के मेल क्या कहेंगे? वाक्य। सभी कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कौन सही है हमारा? ऑप्शन सी सही। कोई दिक्कत है? कोई समस्या किसी को? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना? मैंने कहा वर्णों के मेल को शब्द और शब्दों के मेल को क्या कहा जाएगा? वाक्य कहा जाएगा। मैंने कहा शब्दों के मेल को क्या कहा जाएगा? वाक्य कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न ले लीजिए, पढ़िए। सब कोई प्रश्न पढ़ लीजिए। पढ़ लिया प्रश्न? पढ़िए। पढ़ा?
ठीक है, पढ़ लिया भाई, क्या लिखा है? हाँ वाक्यों का वर्गीकरण मुक्ता कितने प्रकार से होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है प्रकार या भेद, कितने भागों में इसको वाक्य को हम बांटते हैं। तो कितने भागों में बांटते हैं वाक्यों को? हम दो भागों में बांटते हैं, नंबर एक, नंबर एक रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और नंबर दो, नंबर दो अर्थ के, कॉपी बंद कर लेना था, कोई कॉपी खोल नहीं बताना, अर्थ के आधार पर। कितने भेद? दो भेद, नंबर एक रचना के आधार पर, नंबर दो अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद? तीन भेद। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद? तीन भेद। अभी आगे वाले पीपीटी में हम आपको बताएंगे रचना के आधार पर वाक्य के वो कौन से तीन भेद हैं, और नंबर दो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद? आठ भेद। हाँ या ना? तीन भेद रचना के आधार पर, आठ भेद वाक्य आधार, मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद है। यह बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, और दोनों प्रश्न आते हैं आपके। इसका मतलब वाक्यों का वर्गीकरण मुक्तक कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रचना के आधार पर कितने हैं? तीन, और अर्थ के आधार पर कितने हैं? आठ। इसका कोई लेना देना नहीं है। चार अगर देखोगे, चार क्या है? विशेषण। चार क्या होते हैं? विशेषण कितने होते हैं? चार। विशेष संज्ञा पांच होती है, विशेषण चार होते हैं, क्रिया दो होती है, और सर्वनाम छह होते हैं। सर्वनाम, छह सर्वनाम, पांच संज्ञाएं, चार विशेषण और दो क्रियाएं, कोई दिक्कत है? वाक्य दो होता है। क्लियर? आगे आइए, अगला प्रश्न ले लीजिए, पढ़िए भाई। पढ़िए, कौन सा ऑप्शन नहीं है भाई? मैंने कहा रचना के आधार पर वाक्य भेद होते, भेद नहीं है। रचना के आधार पर तीन भेद तो हैं। रचना के आधार पर कितने भेद बताए हमने? तीन भेद। नंबर एक बताया हमने आपको, नंबर एक बताया, नंबर एक सरल वाक्य, सरल वाक्य, नंबर दो मिश्र वाक्य, और नंबर तीन संयुक्त वाक्य। ओके सर, इसको और डिफाइन कर दीजिए हल्का सा, और आराम से समझ में आ जाएगा हमको। मैंने कहा नंबर एक सरल, नंबर दो मिश्र, नंबर तीन संयुक्त, यही बताया। तीन किसके आधार पर वाक्य के भेद? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद है, नंबर एक सरल वाक्य, नंबर दो मिश्र वाक्य, नंबर तीन संयुक्त वाक्य। बहुत सरल तरीके से इसका परिभाषा समझ लीजिए, जिसमें एक क्रिया का बोध हो। कितनी क्रियाओं का बोध हो? एक क्रिया का बोध हो और बात सरलता से पूरी की जा सके। वाक्य सरल हो और एक क्रिया का बोध हो, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। जिसमें एक सरल वाक्य हो, एक सरल वाक्य हो और एक उपवाक्य हो, एक सरल वाक्य हो और एक उपवाक्य हो, उसे क्या कहा जाएगा? मिश्र वाक्य। मैंने कहा जिसमें दो सरल वाक्य और दो क्रियाओं का बोध हो, जिसमें दो सरल वाक्य और दो क्रियाओं का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त वाक्य। कोई दिक्कत है? आगे चल के हम इसको उदाहरण आपको डिफाइन कर देंगे, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, उसका उदाहरण क्या जाता है, मिश्र वाक्य क्या है, उसका उदाहरण क्या जाता है, और संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है, दो क्रियाओं का बोध कैसे हो रहा है। आगे हम इसको बता देंगे आपको, कल का इंतजार कर लीजिए। क्लियर है ना ये? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। मैंने कहा रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, तो ये वाक्य का भेद है साधारण वाक्य सरल वाक्य, बात एक ही है। सरल वाक्य साधारण वाक्य, बात एक ही है। नंबर दो संयुक्त वाक्य, बात एक ही है, इसमें है संयुक्त वाक्य। नंबर तीन मिश्र वाक्य है, कौन सा नहीं है? उद्देश्य, इसका कोई लेने देना ही नहीं है। तो तीन वाक्य ये आपके किसके आधार पर हो जाएंगे? रचना के आधार। क्लियर है? किसी कोई समस्या, किसी कोई समझ में नहीं आ रहा कहीं पे भी? पूछा रचना के आधार पर वाक्य भेद, आप बताएंगे तीन। अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, आप क्या बताएंगे? आठ। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को लेकर, ये बढ़िया प्रश्न है ये, पढ़ो भाई प्रश्न।
हमको पेन क्यों नहीं मिल रही है वाली जो मैं ढूंढ रहा हूँ चीजें। हाँ यही तो है। पढ़ो भाई प्रश्न, पढ़िए खूब बढ़िया तरीके से पढ़िए क्वेश्चन को। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया का बोध हो, जिस वाक्य में केवल एक क्रिया का, कितनी वाक्य का बोध हो, एक क्रिया का बोध हो, उस वाक्य को कहते हैं, जिस वाक्य में एक क्रिया का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक क्रिया का बोध होगा मगर एक साथ में उपवाक्य होगा, उपवाक्य होगा, एक वाक्य होगा और एक उपवाक्य होगा, उसे क्या कहा जाएगा, मिश्र वाक्य। जिसमें दो क्रिया और दो सरल वाक्य होंगे, दो सरल वाक्य, उसे क्या कहा जाएगा बेटा, संयुक्त वाक्य। माने का कोई नहीं, का कोई लेना देना ही नहीं है, और सरल सरल वाक्य या साधारण वाक्य जिसमें एक क्रिया का बोध हो। एक क्रिया का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा, सरल वाक्य। तो सर इसका कोई एक उदाहरण भी दे दीजिए हल्का सा और समझ में आ जाएगा। मैं तो कहूंगा इसका उदाहरण सरल वाक्य का है, राम ने खाना खाया। हाँ या ना, राम ने खाना खाया तो राम करता हुआ, राम क्या हुआ, करता हुआ, खाना क्या हुआ, कर्म हुआ, खाया क्या है, क्रिया है। एक क्रिया का बोध हो रहा है कि और क्रियाओं का बोध हो रहा है, एक क्रिया का बोध हो रहा है ना, राम ने खाना खाया, गीता ने गीत गाया, भाई ने किताब पढ़ी, तो भाई करता हुआ, किताब क्या हुआ। अगर मैं यही कहता, भाई ने किताब पढ़ी, तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, करता, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, जो काम करने वाला वो क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। किताब क्या हुई, कर्म के रूप में आई, पढ़ी, पढ़ना क्या हुआ, क्रिया हुआ। जहां पर एक क्रिया का बोध हो बात सरलता से किंतु किंतु परंतु लेकिन लगाए बिना पूरी हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। क्लियर हो रही है बात, किसी कोई समस्या, कुछ पूछना है आपको, कुछ भी, क्लियर है ना। ये सरल वाक्य मतलब, अभी एक बात और विशेष ध्यान रखिए आप सब, अभी मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं, अभी इसमें मिक्स क्वेश्चंस नहीं है। पहले मैं भाषा को, वर्ण को, शब्द को, वाक्य को, संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को, क्रिया को, लिंग को, वचन को, ऐसे पढ़ाते हुए मैं एक एक पार्ट को लेकर चला चलूंगा। जब पूरे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पूरा मिक्स करके ले आऊंगा। और एक बात, अभी आप गौर कर रहे होंगे कि दो दो सब सब्जेक्ट चल रहा है, एक आपकी रीजनिंग चल रही है, एक आपकी हिंदी चल रही है। कल से आपकी, मेरे सब मेरी हिंदी चलेगी चलेगी, साथ में कल से आपकी मैथ क्लास चालू हो जाएगी, और परसों से आपकी जीएस भी चालू हो जाएगी। और जो जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से, उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न आएंगे 3 से 4 जीएस के पार्ट में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से 3 से 4 प्रश्न आएंगे। अगर आपसे पूछ लिया गया कर्मा लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, अगर पूछ लिया गया आपसे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, अगर पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, अगर आपसे पलट के पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, अगर आपसे पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन वन जीव विहार है, अगर आपसे पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या कितनी है, अगर पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश को कितनी राज्यों की सीमाएं छुपी हैं, अगर पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, अगर पूछ लिया गया विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से आएगा, उसको भी मैं ही पढ़ा दूंगा आपको। क्लियर है, ये कंप्लीट हो गया प्रश्न। मैंने कहा जिस वाक्य में केवल एक क्रिया का बोध हो, एक क्रिया का बोध किसमें होगा, सरल वाक्य में या साधारण वाक्य में, उसे हम ऑप्शन ए लेंगे, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न ले लीजिए। जहां दो सरल वाक्य और दो क्रियाओं का बोध हो, पहले मैं बता चुका हूं इससे पहले में, जहां दो सरल वाक्य और दो क्रियाओं का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा, संयुक्त वाक्य। जहां एक क्रिया का बोध हो और एक सरल वाक्य हो उसे कहा जाएगा सरल वाक्य या साधारण वाक्य। अगर एक उपवाक्य और एक क्रिया का बोध हो या एक सरल वाक्य का बोध हो उसे कहा जाएगा मिश्र वाक्य। इतनी बात समझ में आ रही है, कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूं। अब अगर आप सामने बैठे हैं, अगर आप जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं, आप कम से कम कॉपी लेकर उसको लिखना शुरू कर दीजिए, इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं लिखेंगे तो सुनेंगे तो आपके लिए आसान नहीं होगा।
क्रिया दो सरल वाक्य और दो क्रिया तो क्या साधारण वाक्य होगा? एक क्रिया एक सरल वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक उपवाक्य होगा और एक सरल वाक्य होगा, उसे क्या कहा जाएगा? मिश्र वाक्य आ जाएगा। सभी हो ही नहीं सकता, चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये एक तीनों में से होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ये संयुक्त वाक्य कैसे होगा इसको समझ लीजिए। मैंने कहा संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? मैंने कहा राम पढ़ रहा था और सीता, तो कहोगे सर और क्या है? ये योजक है। क्या ये योजक है? योजक का मतलब होता है जोड़ना एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ, एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने को क्या कहा जाता है? योजक कहा जाता है। मैंने कहा राम पढ़ रहा था और सीता सो रही थी, तो राम पढ़ रहा था एक सरल वाक्य हुआ, हाँ या ना? राम पढ़ रहा था एक सरल वाक्य हुआ, और पढ़ना क्या हुआ? राम करता हुआ, पढ़ना क्या हुआ? क्रिया हुई, हाँ या ना? पढ़ना क्या हुई? क्रिया हुई। और सीता सो रही थी, तो सोने का काम कौन कर रही थी? सीता। तो सीता क्या हुई? कर्ता। और सोना क्या है? क्रिया। परिभाषा पढ़ लीजिए सर। मैंने कहा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, जहां दो सरल वाक्य और दो क्रियाओं का बोध हो उसे कहते हैं। तो दो सरल वाक्य, एक सरल वाक्य ये हो गया और एक सरल वाक्य ये हो गया, एक और दो, और दो क्रियाओं का बोध हो, एक क्रिया यहां मिल गई और एक क्रिया यहां मिल गई, इसलिए क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य हो गया। कोई दिक्कत है? कोई समस्या किसी को कहीं से भी? कोई समस्या बेलचे का बता सकते हैं सर, ये समस्या हमको आ रही है, क्लियर है ना? दो सरल वाक्य और दो क्रियाओं का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा? दो सरल वाक्य और दो क्रियाओं का बोध उसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के साथ एक उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के साथ एक उपवाक्य हो उसे क्या कर, उसे कौन सा वाक्य कहा जाएगा? मैंने कहा जिस वाक्य के साथ एक, ये प्रश्न है, एक वाक्य के साथ एक उपवाक्य हो उस वाक्य को कहा जाएगा सरल वाक्य? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरल वाक्य में केवल एक वाक्य होगा, उपवाक्य नहीं लगा होगा। मैंने कहा संयुक्त वाक्य? बिल्कुल नहीं, दो सरल वाक्य होंगे और दो क्रियाओं का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। मैंने कहा मिश्र वाक्य? बिल्कुल हाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा? मिश्र वाक्य। कोई नहीं का कोई लेना देना ही नहीं है, मिश्र वाक्य कैसे होगा ये? मैंने कहा आश्चर्य है, आश्चर्य है कि पढ़ लीजिए प्रश्न, ये उदाहरण है, आश्चर्य है कि वह पास हो गया, आश्चर्य है कि वह पास, आश्चर्य है, ये आपका क्या है? उपवाक्य है, हाँ या ना? आश्चर्य है क्या? ये आपका उपवाक्य है, और की जोड़ रहा है किसको? इस वाक्य को, इस वाक्य के साथ। वह पास हो गया एक सरल वाक्य, होना क्या है? क्रिया है। ये क्या है आपकी? यहां मैंने कहा एक उपवाक्य हो और एक क्रिया का बोध होता हो। आश्चर्य आपका क्या है? एक उपवाक्य है, और वह पास हो गया क्या है आपका? एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य के साथ जब आपका एक उपवाक्य लग जाता है तो वाक्य बन जाता है मिश्र वाक्य, ऐसा वाक्य बन जाता है। कोई दिक्कत? कोई समस्या? बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है ना? अब इससे सरल भाषा और कुछ नहीं हो सकती। आपके सामने उदाहरण है, आप सामने परिभाषा है, दोनों आप एक साथ मिला लीजिए, और ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो आप आराम से उसे कर लीजिएगा। कोई अच्छा एक बात और, एग्जाम हॉल में कोई जल्दबाजी मत करिएगा कि हिंदी है आराम से जल्दी जल्दी कर देंगे। हिंदी को आप जहां जल्दी करने लगते हैं हिंदी वहीं गलत होने लगती है। मुझसे कई बच्चे आकर बताए कि इमरान सर हमारा 38 में से 36 प्रश्न सही है, 35 प्रश्न सही है। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा पेपर मिला लीजिए। जब मैं पेपर मिलवाने लगा तो पता चला वो 32 पे दम तोड़ दिए, 30 पे दम तोड़ दिए, 26 पे दम तोड़ दिए, और ये जल्दबाजी में हो गया उनसे। एग्जाम आपके ऊपर हावी था और प्रश्न को पूरा बिना पढ़े आराम से आप करते चले जा रहे गाना गाते हुए, और क्वेश्चन गलत होता जा रहा था।
ये स्वीट पॉइजन है। हिंदी किस प्रकार का पॉइजन है? स्वीट पॉइजन, मीठा जहर है ये। आपको लगता है सब आ रहा है मगर हो सकता है आपको गलत होता जाए, इसलिए आंख बिल्कुल खोल के रखिएगा, दिमाग बिल्कुल खोल के रखिएगा। अगर हिंदी में स्कोर आपके मजबूत हो जाएंगे तो आप मैथ और रीजनिंग में अगर कमजोर भी हल्का रहेंगे तो ये स्कोर आपका वहां काम कर जाएगा मेरिट में आने के, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में आइए भाई। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। राम पुस्तक पढ़ता है, सरल, कोई दिक्कत है? राम पुस्तक पढ़ता किस प्रकार का वाक्य हुआ? सरल वाक्य हुआ आपका। मैंने कहा गीता गीत गाती है, आपका किस प्रकार का हुआ वाक्य? सरल वाक्य। आया ना नंबर? अरे वाह, वह पास हो गया। ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है क्योंकि आप गौर से नहीं देख रहे हैं। अगर ये विस्मयवाचक वाचक का चिन्ह लगा है, ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, ये अर्थ के आधार पर विस्मयवाचक है। ऐसा है विस्मयवाचक है, क्लियर रखिएगा। इसमें क्या लगा हुआ है? विस्मयवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। विस्मय मिश्र वाक्य में विस्मयवाचक का चिन्ह नहीं लगता है, क्लियर है? मैंने कहा वह सुबह गया और रात को लौट आया, वह सुबह गया एक सरल वाक्य है। गया क्या हुई? क्रिया। जाना क्या होती है? वह सुबह गया, तो गया क्या है? क्रिया है, एक सरल वाक्य है। और ये जोड़ रहा है इस वाक्य को इस वाक्य के साथ, रात को लौट आया। आया लौटना क्या है? क्रिया। और ये क्या हुआ? एक सरल वाक्य। जहां दो सरल वाक्य दो क्रियाओं का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? ऐसे दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से एक, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य को ढूंढो, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य को ढूंढो, निम्नलिखित में सरल वाक्य को ढूंढो। सरल वाक्य से प्रश्न नहीं आता ज्यादा, खेल जो होता है वो होता है मिश्र और संयुक्त वाक्य से। सरल वाक्य से प्रश्न जल्दी नहीं बनता, वो सरल प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न ले लीजिए, बढ़िया प्रश्न है, पढ़िए। अर्था अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? मैं बता चुका हूं अर्था के अनुसार कितने भेद होते हैं, अर्था के अनुसार कितने भेद होते हैं, अर्था के अनुसार कितने भेद? आठ भेद। रचना के आधार पर कितने भेद? रचना के आधार कितने भेद? क्रिया कितनी होती है? सकर्मक क्रिया और क्रिया कितनी होती है? दो। सकर्मक क्रिया और नॉर्मल रस कितने होते हैं? दस। नॉर्मल रस कितने होते हैं? दस। मगर कभी भी एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए रस कितने होते हैं, कभी भी दस पर मत लगाना, गलत गलत। आठ भी नहीं, क्या लगाएंगे आप? रस होते हैं नौ। आगे समझिएगा, अगर पूछा जाए कि रस, तो नॉर्मली लोग बोलते हैं रस दस, रस दस, क्योंकि वत्सल को जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ लेते हैं, वत्सल को जोड़ लेते हैं, वत्सल को नहीं जोड़ना है। अगर पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने? भरत आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितने? तो आप क्या बताएंगे? आठ रस। कितने रस? आठ रस। अगर पूछा नॉर्मली रस कितने होते हैं, अगर इतना पूछे रस कितने होते हैं, तो रस होते हैं नौ। अगर पूछा भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं, रस होते हैं आठ। अगर पूछा जाए भरत मुनि ने किसी रस का सही रूप नहीं माना, तो आप बताइएगा वत्सल रस को, और नंबर दो कौन से रस? भक्ति रस को नहीं, शांत रस को। किस रस को? शांत रस को। इंदु को भरत मुनि क्या रस का रूप नहीं माना। ये जब दो नहीं माने जाएंगे कितने बचेंगे? आठ। भरत मुनि ने आठ रस माने, और रसों का राजा कौन होता है? श्रृंगार रस। रसों का राजा कौन होता है? श्रृंगार रस। क्लियर है? अब इतने प्रश्न उभरकर सामने आएंगे, ये बड़े बड़े प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो ये चर्चा 55 बार आए हुए, परमानेंट आता है। भरत मुनि का रसों की संख्या कितनी? लड़का नौ लगा देता है। पूछे जाए भरत मुनि ने रस का रूप नहीं माना, तो वत्सल रस और शांत रस को, रस का कितना भेद, रस के कितने भेद होते हैं? तो नौ भेद होते। इसमें मैंने कहा अर्थानुसार वाक्य के भेद है, आप बताएंगे आठ। आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मान सर आठ भेद आपने बता दिया,
जरा इसको लिख देते आप आठों भेद, और मजा आ जाता कि आठों भेद कौन कौन से हैं जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे। देखते आठों भेद देख लीजिए अब आप, ऐसे नहीं होता दाल मिली रहे और घी डाल दो और मजा आ जाए। अब बगल में अगर चटनी रख दो तो दाल, आगे समझिएगा दाल है आठ, अर्थात दाल भेद कितने हैं आठ, घी क्या है इसके आठों भेद लिख दूं मैं, और आम की चटनी क्या है आठों भेद के उदाहरण बता दूं मैं, आठों भेद के उदाहरण आठ भेद लिख दूं, आठों भेद के उदाहरण भी आपको स्पष्ट कर दूं, तो आपको आराम से स्पष्ट हो जाएगा। और जो लोग बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे हिंदी पढ़े होंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा। आइए आठों भेद ले लेते हैं। नंबर एक विधानवाचक, कौन सा? नंबर दो प्रश्नवाचक, प्रश्न। नंबर तीन निषेधवाचक, निषेध। समझ में आ रहा है ना? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक। चार आज्ञावाचक, कौन सा? चार आज्ञावाचक। पांच विस्मयवाचक, छह इच्छा वाचक। हाँ या ना, धीमे बोलो बेटा, हम कभी जाएंगे नहीं तो। छह इच्छा वाचक। सातवां संदेह वाचक, और आठवां संकेत वाचक। यही बेटा आपके आठ भेद, आठ आपके भेद। जो बच्चे ना लिखे हो इसको लिख भी लें, अगर पूछेगा अर्थ के आधार पर भेद, इससे उदाहरण आता है, उदाहरण देकर पूछा कौन सा है अब वो बताना होगा। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, चौथे नंबर आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। यही आठ हैं आपको। एक बात और समझ लो, नहीं समझ पा रहे हो तो, जो रचनावाचक में सरल वाक्य है, आधे ध्यान रखना, जो रचनावाचक में सरल वाक्य लिखे हो वही अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य है। वही अर्थ के आधार पर क्या है? विधानवाचक वाक्य है, जो रचना में आपका क्या है? सरल वाक्य, सरल वाक्य है। सुरेश पढ़ रहा है, इसका उदाहरण क्या है? सुरेश पढ़ रहा है। जहां बात, जहां काम आसानी से हो जाए उसे क्या कहा जाता है? जहां वाक्य में कर्ता द्वारा कार्य आसानी से किया जा सके उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है? नंबर दो प्रश्नवाचक, जहां पर वाक्य में प्रश्न शब्द का बोध होने लगे, जहां वाक्य में प्रश्न शब्द का बोध होने लगे उसे क्या कहा जाएगा? प्रश्नवाचक। तुम यहां क्यों आए हो? ये अब तुम्हारा आम की चटनी चालू है, यह आपका देसी घी था, यह आपकी दाल थी, ठीक है? प्रश्नवाचक, जब ये लग जाए, क्यों कहां कब कैसे, क्यों कहां कब कैसे, तो वहां क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। मैंने कहा निषेधवाचक, निषेधवाचक में साफ साफ की बात है, आप कहीं कहीं एक स्लोगन भी देखते होंगे, एक दरवाजे पर लिखा होता है प्रवेश निषेध, प्रवेश निषेध, अर्थात अंदर जाना मना है। प्रवेश मतलब अंदर जाना, प्रवेश करना मना है, निषेध मतलब नहीं। जहां वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो, इसका प्रयोग हो नहीं शब्द का, उसे क्या कहा जाएगा? निषेध। वह दिल्ली नहीं जाएगा, वह दिल्ली नहीं जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? तुम खाना नहीं खाओगे, बच्चा आज नहीं रोएगा, ये सब क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? आज्ञावाचक वाक्य, जहां पर बड़े अनुमति या आज्ञा दें, जहां पर आपकी उम्र से बड़े लोग आपको आज्ञा दें या अनुमति दें, वहां पर क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। शांत रहना सीखो, शांत रहना सीखो, जल्दी जल्दी खाया करो, जल्दी जल्दी लिखा करो, जल्दी जल्दी पढ़ा
करो, बड़ों का आदर किया करो, ये सब क्या हो गया? सब में आज्ञा आ गई। पिता ने कहा जल्दी जल्दी खाना खाओ, आज्ञा वाचक वाक्य है। गुरु ने कहा जल्दी जल्दी लिखो, गदहा छाप ना लिखो, सारे लिख के 5 किलोमीटर आगे चले गए, तुम अभी यहीं चल रहे हो, तुझे क्या कहा जाएगा? आज्ञा वाचक। तो समझ में आ रहा कुछ? यहां पर आज्ञा ली, जैसे चार मित्र, चार बड़े लोग बात कर रहे थे, एक भाई साहब पहुंचे छोटे थे उम्र में, वो बीच में घुस के बोलने लगे, तो क्या कहा जाएगा? शांत रहना, देखो उनको क्या दिया गया? आदेश दिया गया। बड़े थे ना, तो बड़ा आदेश देता है। बड़ा क्या देता है? आदेश देता है, अनुमति देता है। जहां अनुमति या आदेश का बोध होने लगे वाक्य में, उसे क्या कहा जाएगा? आज्ञावाचक कहा जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैंने कहा विस्मयवाचक, जहां पर वाक्य का आदेश, समझिएगा, जहां वाक्य में केवल अपोस्ट्रॉफी ही देख लो, विस्मयवाचक का चिन्ह देख लो, ये नीचे ये देख लो, केवल वाक्य में अगर ये लगा तो जान लो कुछ और हो ही नहीं सकता, उसे क्या कहा जाएगा? विस्मयवाचक कहा जाएगा। वाह, कितना सुंदर मौसम है, क्वेश्चन मार्क होगा सर, ये तो क्वेश्चन मार्क लग गया, ये प्रश्नवाचक हो गया? नहीं सर, पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो वाह लग गया है। वाह का मतलब जहां पर हर्ष की बात हो, उल्लास की बात हो, घृणा की बात हो, द्वेष की बात हो, वहां पर क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक। और जहां पर ये लग जाए, विस्मयवाचक का चिन्ह शब्द से पहले, वो कोई और वाक्य हो ही नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। ओके सर, इसको और विस्तार दे दो हमें। तो मैं कहूंगा कि आप जब आए हमारे यहाँ पढ़ने तो धूप थी, चिलचिलाती धूप, जब आप क्लास में आए तो परेशान थे गर्मी से, और जब आप क्लास लेकर वापस जाने लगे तो बादल मंडरा रहे थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और खूबसूरत मौसम, हवा ठंडी ठंडी निकल रही थी। आप जैसे यहां निकले बाहर, आपने कहा वाह, आप आश्चर्यचकित हो गए कि नहीं हो गए? आप आश्चर्यचकित हो गए ना, वाह कितना सुंदर मौसम है, वैसे है नहीं, मनहूस मौसम चल रहा है। हाँ, मगर तब आपने क्या कहा? वाह कितना सुंदर मौसम है। ठीक है, क्लियर है? दांत आज काट डालोगे? पूरा पूरा चालू है, दांत काटते हैं पूरी तरीके से, आज काट डाला, पूरा छोड़ना मत, तुमको मेरी कसम है, आज काट डालो तुमको। तो बेटा मेरी कोई गलती नहीं है, फीस जमा करती हूँ, मर जाए तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा हमारा क्या जा रहा है? अच्छा, मेरे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। इच्छावाचक, इच्छावाचक का मतलब क्या है भाई? इच्छावाचक वाक्य परिभाषा समझिए पहले, परिभाषा समझेंगे आगे आने वाले जो प्रश्न है हमारे उसके लिए आपकी आसानी हो जाएगी। इच्छावाचक का मतलब होता है जहां पर आशीर्वाद दिया जाए, जहां शुभकामनाएं दी जाए। इच्छा, अभी सुने हो कि अगर तुमने मुझे आशीर्वाद ना दे तुमको गोली मार दूंगा मैं, ऐसा सुने हो? अगर मैं पैर छू रहा हूं आशीर्वाद ना दे चाकू घोंप दूंगा। तो जो आशीर्वाद या इच्छा होती है वो दिल से निकलती है, अपनी इच्छा से निकलती है। बहुत सारे लोग देखो जिनसे आपका दिल भरा हो, जिन्होंने आपको धोखा दिया हो, जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई की हो, बहरहाल एक बात और बता दें, क्लियर कर लेना आज के बाद इस बात को, आपका और आपके पीछे आपकी जो भी बुराई कर रहा है, ये तय कर लेना तुमसे बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर तुमसे बड़ा अगर कोई है, तुम्हारी आलोचना नहीं कर सकता, कभी अंदाज लेना, तुमसे छोटा व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करेगा, जिसकी औकात सामने बात करने की नहीं होगी, वो आपकी आलोचना कर सकता है। कमेंट पढ़ा करिए ना, जो आजकल मीडिया पर चलते रहते हैं, मोदी जी को लोग बोल रहे हैं, राहुल गांधी को लोग बोल रहे हैं। राहुल गांधी कभी किसी एक आदमी के लिए बोले नहीं, रहू कहा है हमका बताया ये बात, कभी बोले सुनिए वहां तक, क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनका लेवल नहीं है, मोदी जी का वो लेवल नहीं है, तुम्हारा वो लेवल है। तो तुम जाकर एक उस व्यक्ति को उंगली कर रहे हो जो तुम्हारी औकात के बाद बहुत, तो पूरी जिंदगी उनसे तो उनके पीएस ना मिल पाओ। तो सदैव याद रखना, आलोचना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आपकी आलोचना नहीं हो रही है तो आप जान लो कि आगे नहीं बढ़ रहे हो, यदि आपकी आलोचना हो रही है तो आप तय कर लो आप आगे बढ़ रहे हो, और पीठ पीछे आपके लोग बात कर रहे हैं, ये तय कर लीजिए। आलोचना कभी विचलित नहीं होना चाहिए, मेरा अपना ये मत है कि आलोचना कभी विचलित, मेरे भी बहुत आलोचक हैं, मगर हम कभी आलोचक से विषय नहीं होते, उनसे उनकी बातों सुनते मजबूत हुआ करो। हाँ, तुमने कहा उसके ढेर शुभकामनाएं, तुम मुस्कुरा दिया करो, तुम उसे छोटे होते तुम मेरी आलोचना कर रहे हो, तुम उसे बड़े होकर मेरी आलोचना कभी करते ही नहीं। जहां आशीर्वाद की बात हो, जहां पर शुभकामनाओं की बात हो, उसे क्या कहा जाएगा?
इच्छावत। आपका वर्ष मंगल मैं हूं, आपका वर्ष कैसा हो? मैंने कहा आपका वर्ष मंगल मैं हूं। चलो आपका वर्ष मंगल मैं हूं, आप क्या कहेंगे? क्या हो जाएगा? वो इच्छावाचक हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर ये तय हो जाएगा आपका वर्ष मंगल मैं है, उसे हम कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। चले तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना ये बात? कोई दिक्कत? तो मैंने कहा आपसे अभी तक समझ लीजिए, ये चालू जा रहा है एक मिनट के अंदर, मेरी बात वैसे समझ लीजिए तब तक, वहीं से फिर आगे बढ़ा दूंगा मैं। मैंने कहा जहां पर सरल वाक्य को क्या कहा जाएगा? विधानवाचक वाक्य। मैंने कहा जहां पर प्रश्नवाचक शब्द का बोध होने लगे उसे क्या कहा जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने कहा जहां पर बात किसकी होने लगे, नंबर 3 पे क्या बताया, जहां पर बात नहीं की होने लगे, वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होने लगे, उसे क्या कहा जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई समस्या? फिर मैं और आगे बढ़ा, मैंने कहा जहां पर किसी को अनुमत या आदेश देने लगे वहां क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना खाया करो, सुबह जल्दी उठा करो, उसे क्या कहा जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। क्लियर है? फिर मैं और आगे बढ़ा, मैंने कहा कि विस्मयवाचक वाक्य। मैंने कहा जहां पर तुम्हारी ये जो भुरकुटी है ये तन जाए, मैंने कहा जहां पर तुमको ये लगने लगे कि कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी कैसे है, वहां पर क्या जाएगा? विस्मयवाचक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल दू, जैसे तुम महागधे हो और उसके बाद तुम उत्तर प्रदेश पुलिस में टॉप पर जाओ, तुम्हारे बगल तुम्हारा मित्र क्या कहेगा? अरे वो पास हो गया, विस्मयवाचक बात हो गई ना। अगर पढ़ने वाला बच्चा पास हो जाए ये समझ में आता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, और जो जिंदगी में कभी ना पढ़ा वो टॉप कर जाए यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस, तो दो बातें हो सकती हैं, या रात जो पेपर मिल गया है ये डाले पूरा, या तो कोई तुक्का बहुत बड़ा लग गया है जिसमें महादेव बिल्कुल इनके ऊपर विराजमान हो गए। तो क्या कहा जाता पता है आपको? क्या कहा जाता बोलो भाई, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लंगूर के हाथ में अंगूर का लग जाता। क्लियर हो रही है बात? डाली चालू कर दो, तो इसको सबको डालने क्या जरूरत थी बता दो पहले, कौन यहाँ कितनी मुद्दा निकाल रहा था इसका, एडमिन वेडमिन डालने क्या जरूरत? जी एक मिनट वेट कर लीजिए, चालू कर दे रहे हो। इतना का समझ में आ गई बात ना? ये कट जाएगा वीडियो से, वीडियो एडिट में कटवा दीजिए। चालू कर, तो यही सब नाटक जीवन में बचाइए मेरे, मेहनत से आदमी पढ़ाई की तो नाटक बोल। ये कौन सा प्रश्न था हमारा? आठवां। ये है ना, यही तक ना। चलिए मैंने कहा कि आखिरी बार कौन सा बता चुके हैं? विस्मयवाचक बता चुके हैं, इच्छावाचक बता चुके हैं ना। इच्छावाचक आगे कौन सा है? संदेहवाचक। संदेहवाचक जहां पर, संदेहवाचक का मतलब क्या है? जहां पर कार्य करने अथवा न करने, जहां पर कार्य करने अथवा न करने, कार्य होने अथवा न होने, कार्य करने अथवा न करने का क्या हो? संदेह हो, उसे क्या कहा जाएगा? संदेहवाचक कहा जाएगा। क्लियर है? जहां पर कार्य करने अथवा न करने का संदेह हो सकता है और नहीं भी। उदाहरण, शायद आप कल नहीं आएंगे, आए ना, शायद आप कल नहीं आएंगे, तो शायद कर आप नहीं आएंगे, नहीं का प्रयोग भी किया गया वाक्य में, तो अगर सर आपने कहा था नहीं का प्रयोग किया जाएगा जब, तो निषेध हो जाएगा, तो मगर यहाँ शायद भी तो लगा हुआ है, शायद आप कल नहीं आएंगे, इसका मतलब आप आ भी सकते हैं और नहीं आ सकते हैं। अगर यही पढ़ जाता मैं प्रश्न उदाहरण को लेकर, मैं कल नहीं आऊंगा, मैं कल नहीं आऊंगा, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाता, मगर मैंने कहा शायद मैं कल नहीं आऊंगा, तो क्या हो गया? संदेहवाचक हो गया। शायद मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा,
वाचक, और यही पलट जाता मैं कहता कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो निषेधवाचक हो जाता, क्या कल मैं पढ़ाऊंगा प्रश्नवाचक हो जाएगा, कल तुमको पढ़ाना ही होगा आज्ञावाचक हो जाएगा, ओह कल मैं पढ़ाऊंगा विस्मयवाचक हो जाएगा, मैं कल पढ़ाऊंगा विधानवाचक हो जाएगा, क्या कल मैं पढ़ाऊंगा प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा सब कुछ, अब तो सब क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या है? संकेत वाचक। कौन सा है? संकेत वाचक। संकेत वाचक में क्या है? संकेत वाचक में ध्यान रखिएगा एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, बिना एक वाक्य के दूसरा वाक्य अधूरा होता है। तुम पढ़े होते, अरे समझिएगा संकेत वाचक एक क्रिया कैसे दूसरी क्रिया पर निर्भर हुई, एक वाक्य कैसे दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तुम पढ़े होते तो आज पास हो गए होते, ये 50 लाख लोगों में से 50 लाख लोग फॉर्म भरे ना उत्तर प्रदेश का पुलिस का, 50 लाख लोगों में से लगभग ऐसे आंकड़ा अगल बगल होगा लगभग 49,50,000 लोग ही सुनेंगे, गलत है क्या? वो कोई भी हो सकता है जिसने मेहनत नहीं की होगी, 50,000 अगर वैकेंसी है 50,000 लोग जाएंगे ना आगे पीछे दो चार सौ इधर उधर, उसके बाद कौन सुनेंगे? तुम पढ़े होते तो तुम आज पास हो गए होते, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा इसका मतलब क्या हुआ? तुम नहीं पढ़े और पास नहीं हुए, एक तुम पढ़े होते ये किस पे निर्भर हो रहा है? आज पास हो गए होते, एक बात किस पे निर्भर हुआ? दूसरे बात पे, अगर दवा समय पे लिए होते तो आज जिंदा होते, इसका मतलब दवा साथ समय पे नहीं लिए आपकी आत्मा परमात्मा से मिल गई, हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? अगला पॉइंट क्या है? खत्म। इसका मतलब मैंने बताया आठों भेद आपको बता दिए, मैंने कहा आठों भेद आप क्लियर कर लीजिए, आठों भेद मैंने लिखा दिया आपको, मैंने कहा अर्थ के अनुसार पे वाक्य कितने भेद? आठ भेद। कौन कौन से? विधानवाचक, नंबर दो प्रश्नवाचक, नंबर तीन आज्ञावाचक, नंबर चार निषेधवाचक, नंबर पांच विस्मयवाचक, नंबर छह इच्छावाचक, नंबर सात संदेहवाचक और नंबर आठ संकेतवाचक। क्लियर हो गई बात? ये आठों भेद आपके अर्थ के आधार पे हैं। मैंने कहा रचना के आधार पर, तो मैंने कहा रचना के आधार पर तीन भेद हैं, नंबर एक सरल वाक्य, नंबर दो मिश्र वाक्य और नंबर तीन संयुक्त वाक्य। क्लियर है? कहीं कोई समस्या? आगे आएंगे। राम तुम बैठ कर पढ़ो, विधानवाचक। राम बैठ कर पढ़ो क्लियर का देते, यही लिखा राम तुम बैठ कर पढ़ो, किस प्रकार का वाक्य है? यही अगर लिखा होता राम बैठ कर पढ़ता है, राम बैठ कर पढ़ता है तो विधानवाचक हो जाता, राम बैठ कर पढ़ता है तो क्या हो जाता? विधानवाचक। राम तुम बैठ कर पढ़ो लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। इसका मतलब गुरु या पिता या बड़ा भाई राम को आज्ञा दे रहा है कि बैठकर पढ़ो, सोते ना रहो। इसका मतलब ये हुआ ना, अगर यही होता तो प्रश्नवाचक, क्या राम तुम पढ़ते हो? क्या राम तुम पढ़ते हो तो क्या हो जाता? प्रश्नवाचक, हाँ या ना? निषेधवाचक, राम तुम नहीं पढ़ोगे, राम तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाता? राम तुम बैठकर पढ़ो, यहां आज्ञा दी जा रही, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? किसी कोई प्रश्न पूछना है कहीं पर भी? अगले में आइए, 11 नंबर ले लीजिए, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक वाक्य नहीं है? निम्नलिखित सारे समझिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक वाक्य नहीं है? नंबर एक, मैं दूध नहीं पीऊंगा, ये निषेधवाचक वाक्य है। मैंने कहा तुम घर मत जाओ, निषेधवाचक है। जल्दी जल्दी लिखा करो, ये आज्ञावाचक वाक्य।
कैसा वाक्य बेटा? ये कैसा वाक्य है? आज्ञा वाचक वाक्य है। श्याम तो नहीं आना, ऐसा वाक्य है। नहीं लग गया ना, मत लग गया ना, नहीं लग गया ना, जहां नहीं मत का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? निषेध वाचक हो जाएगा। और जहां पर ये जो है जल्दी जल्दी लिखा करो, ये कैसा हुआ? आज्ञा वाचक हो गया। यही ऑप्शन ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर नहीं। क्लियर है? कोई समस्या? कोई समस्या किसी को? कुछ पूछना चाहते हो कहीं से? ऑनलाइन अगर पूछना है कमेंट करके पूछ लेना, ऑफलाइन पूछना सामने दर्शन, जैसे मनते हो। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न आ जाइए। 12 इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? इच्छार्थक मतलब इच्छावाचक वाक्य, इच्छार्थक मतलब इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आशीर्वाद का भाव हो, जिस वाक्य से आशीर्वाद का भाव हो, जिस वाक्य से संदेह का भाव हो, संदेह वाचक हो जाएगा, संदेह वाचक हो जाएगा, हाँ या ना? माने जिस वाक्य से प्रश्न का भाव हो, प्रश्नवाचक हो जाएगा, हाँ या ना? माने जिस वाक्य से आज्ञा का वाचक, आज्ञा का भाव हो, आज्ञावाचक हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा। तो बचेगा कौन? जिस बात से आशीर्वाद का भाव हो उसे क्या कहा जाएगा? आशीर्वाद का भाव हो या शुभकामनाएं दी गई हो उसे क्या कहा जाएगा? इच्छावाचक। ऑप्शन प्रश्न नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न आ जाइए। मैंने काम कर लिया, मैंने काम कर लिया किस प्रकार वाक्य है? मैंने काम कर लिया किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, तुम काम करो, ये आज्ञावाचक। मैंने कहा तुम काम करो, उसे क्या कहा जाएगा? आज्ञावाचक कहा जाएगा। मैंने काम कर लिया या आज्ञावाचक नहीं है? क्या क्या मैं काम करूं तब प्रश्नवाचक हो जाएगा? यहाँ प्रश्नवाचक भी नहीं है। वाह, उसने काम किया, जितने कोई काम नहीं किया काम छोड़ था, अचानक फरुआ लेकर वोट डाला पूरा कौन जितना था खेत का। दादा ने कि बाबा ने क्या कहा? वाह, आज सुदुखमा ने काम किया, कहा जाएगा ना? क्या कहा जाएगा? वो उसे उनको खुद ही दिक्कत हो गई कि मेरा लाल इतना लायक है, हमको पता ही नहीं था आज तक। विधानवाद ये किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य में कार्य सरलता से पूरा हो रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? विधानवाद का वाक्य। कोई दिक्कत? कोई समस्या? क्लियर है ना? हाँ हाँ कहा तो क्लियर नहीं बेटा, यही है कर लिया, एक नहीं आता है फर्क से नहीं। दो क्रियाओं का बोध इसमें नहीं, दो क्रियाओं का बोध इसमें क्लियर कर लो, नहीं दो क्रियाओं का बोध हो सरल वाक्य हो। ठीक, खाना खा लिया, राम पढ़ता रहता है ना, तो रहना यहाँ पे क्रिया नहीं है, पढ़ना क्रिया, ये क्रिया, ये वाक्य को पूरा कर रहा है। क्लियर है? ये दो क्रिया नहीं हो सकती, ये सरल वाक्य। क्लियर है? आगे आइए। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उस वाक्य को कहते हैं संदेहवाचक। संदेहवाचक हो क्या? संदेहवाचक वहां होगा जहां पर शायद लग जाएगा, हो भी सकता है काम और नहीं भी हो सकता है। मैंने कहा विस्मयवाचक, यहाँ पर ओह आह नहीं लगा, वाह नहीं लगा है। यहाँ पर संकेतवाचक बिल्कुल होगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं होगा, प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं होगा। संकेतवाचक होगा कैसे होगा? अगर आप साथ जाते तो वह समय पर आ जाता, अगर आप साथ जाते तो समय पर साथ, तो वह समय पर साथ आ जाता। इसका मतलब है कि आप समय आप साथ नहीं गए तो वह लेट हो गया, आया ना भाई? जैसे कि तुम्हारे पास गाड़ी थी, तुम लेकर गए हो तो गाड़ी लेकर चले आए होते। अब वो रिक्शा गया है, रिक्शा आएगा भी पैदल भी आ सकता है, समय अधिक लग जाएगा ना,
अगर आप साथ जाते तो वह साथ समय पर आ जाता। इसका मतलब आप साथ नहीं गए तो समय पर नहीं आया। इसका मतलब एक वाक्य एक क्रिया दूसरे वाक्य दूसरी क्रिया पर निर्भर। क्लियर है? इसे कोई समस्या? कहीं पर भी कोई समस्या? अगला पॉइंट आ जाइए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ी अच्छी बात है, मगर जितना मेहनत से आप यहां बैठकर, दूर दराज हैं, नहीं आने की संभावना आपकी है, नहीं आ सकते किसी कारण से, तो बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप यहीं बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं ऑनलाइन लेकर, दिल पे हाथ रख के खा लीजिए कसम की, लाइब्रेरी में बैठ के जितना सीरियस होकर आप पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा सीरियस होकर यहाँ नहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप हिल ही नहीं सकते, क्योंकि सामने में खड़ा हूँ, आप यहाँ से हिल नहीं सकते, यहाँ मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते, और सामने एक एक प्रश्न का विस्तार लेते जाएंगे, और आप चाहकर भी आपका मोबाइल नहीं बच सकता। बहुत इमरजेंसी हुई, कोई घटना घटी तो कोई बात अलग है, नहीं तो आपको एक घंटा बैठना ही पड़ेगा। ये सबसे अलग है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें अगर आप पढ़ रहे हैं मोबाइल पे फोन आ गया तो अपनी संस्था में लाइब्रेरी अध्ययन अकेडमी नीचे है ना, हर 2 मिनट के अंदर एक बार उसका गेट खुल जाता है, हर 2 मिनट में, एक बार देखता रहता हूं कैमरे में, हर 2 मिनट में खुल जाता है, भाई साहब बैठे पहले पहले उठ जाते हैं। मगर आप ईमानदारी से एक घंटे जहां बैठे हैं तो बैठे ही है ना सर, ना आपको मम्मी पानी लाने के लिए कह सकती है, ना पापा भूसा डालने के लिए भैंस को कह सकते हैं, ना तो मोबाइल प्रयोग कर सकते हो, ये अंतर है दोनों में। अच्छा कभी एक बात और बता दे बॉस, कभी ऑनलाइन सेटअप वालों ने ये बताया ही नहीं, उन्होंने बताया कि चेष्टा बको ध्यानम सौ नित्य तथे अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचरत्नम, इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, घर में रहो खुद ताने खाओ खींच के सो, जब मन कहे तब पढ़ो या भाड़ में जाओ, और पढ़ो जो मैं भेज रहा हूँ 999 599 100 रुपये में, इसको जरूर पढ़ डालो तो पूरी तरीके से, चाहे पढ़ पाओ चाहे ना पढ़ पाओ। मैं फिर कह रहा हूँ जिन बच्चों का, यही ऑनलाइन में कह रहा हूँ, जिन बच्चों का ऑनलाइन पूरा कोर्स लेकर बैठे हुए हैं उनका सिलेक्शन ऑफ रेशियो देखिए कितना परसेंट, और जो बच्चा निरंतर पढ़ता रहा है कोचिंग आकर किसी टीचर को लगाकर, किताब कभी गुरु नहीं हो सकती, और स्थान एक होना चाहिए, कड़कड़ में भगवान है तो किसी दूसरे पत्थर को पकड़ के आप लेट नहीं जाते, उसके आप मंदिर जाते हो, आप अगर पढ़ेंगे विद्यालय आपको जाना पड़ेगा, आप कभी भी मोबाइल के द्वारा आप पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, मोबाइल के द्वारा आप कंटेंट को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, हर सोचा पूरा पढ़ लेंगे, ये अपने आप को मूर्ख बना रहे हो या सामने वाले मूर्ख समझ रहे हो, ये तय कर लेना। आइए आपका वर्ष मंगल, आपका 9 वर्ष मंगलमय हो, इस प्रकार का वाक्य, आपका वर्ष मंगलमय हो, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, आपके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, इस प्रकार का शब्द है, दूधो नहाओ ऊटो फलो, इस प्रकार का शब्द है। अच्छा जब अपने पापा तो नहीं बोलेंगे, मगर अपने जब दादी का पैर छू शादी हो जाने के बाद, दादी अगर गांव की हुई ये जरूर कहेंगे दूधो तो नहाओ और ऊटो फलो, आया ना, इसका मतलब होता है आप दूध से नहाए और आप ऊटो फलो, मतलब आपके पुत्र हूं, आपको उसका सुख प्राप्त हो, बाद में दुख में बदल जाए बात अलग है, वो अलग बात है। नंबर एक प्रश्न का क्या यहाँ पर आपका 9 वर्ष मंगलमय हो, कई प्रश्न शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब प्रश्नवाचक हो नहीं सकता, विधानवाचक वाक्य, ये एक सरल वाक्य है, इसमें कोई दोरा नहीं है, मगर सरल वाक्य से ज्यादा इसमें इच्छा है, मेरी इच्छा है कि आपका वर्ष मंगलमय हो, कोरोना आ जाए बात अलग, उसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मगर आपका वर्ष मंगलमय है, यह हर आदमी चाहता ना पता चला कि बने का दूध ना हो पूतो फलो, बाद में पचे दिन दूध वाले साथ भाग गई, तो मैं क्या करूं, मैंने तो अपना दे ही दिया ना भाई, कि इच्छा वाचक बात ना, गलत तो नहीं कहता हूं ना भाई, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, उसके बाद मामला गंभीर होगा, तुम्हें मेरी कोई गलती नहीं है। संज्ञा वाचक बात, शायद तुम्हारा वर्ष मंगलमय हो, ऐसे नौ जैसे 2025 आए और लिख के दे दिया जाए शायद आपका वर्ष मंगलमय हो, सामने गाली आने लगे, ऐसा क्या चाहते हो, आया ना, इसको मतलब संज्ञा वाचक बात भी नहीं हो सकता, विधानवाचक वाक्य नहीं हो सकता, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर शुभकामना दी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, जहां शुभकामना आशीर्वाद दिया जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे आ जाइए, आश्चर्य है कि वह, मैं पहले बता चुका हूं, यह उदाहरण पहले है मेरे में, आश्चर्य है कि वह पास हो गया, कि जोड़ रहा है एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ, मिश्र वाक्य है ये,
एक उपवाक्य है ये, और ये एक कहां तक गया? यहीं तक है, वह एक सरल वाक्य है। तो आश्चर्य है कि एक उपवाक्य हो गया कि जोड़ रहा है एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ, वह पास हो गया एक सरल वाक्य है। जहां वह पास हो गया एक सरल वाक्य, एक उपवाक्य, जहां एक सरल वाक्य और एक उपवाक्य का प्रयोग किया जाएगा वहां कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। जहां दो सरल वाक्य दो क्रियाओं का बोध होगा वहां हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जहां एक सरल वाक्य का प्रयोग होगा एक क्रिया का बोध होगा वहां हो जाएगा सरल वाक्य। कोई रहेगा कोई उत्तर ही नहीं है। इसका मतलब 15 नंबर प्रश्न का ये नंबर सही ऑप्शन। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? समझ आ रही है? कोई दिक्कत है आपको? उसमें कोई बात है? हाँ, थक गए हो ना सुबह से, पेट कर रहे हैं, ये तो औरतों बीमारी है, औरतों कहाँ लग रही है। अच्छा, मैंने एक चीज बहुत करीब देखी, अपनी बात बताऊं, सब उल्टा कलयुग चला, सब उल्टा होता जा रहा है। मैं शेविंग करा रहा था, मेरे बगल में एक भाई साहब बैठे थे 20-22 साल के, वो बराहुरी बनवा रहे थे, इसे अपना गांव बराहुरी बोलते हैं। उनको मैं, एक कुर्सी मेरी थी एक कुर्सी उनकी थी, तो मैं उनको ऐसे पलट देता, वो भाई साहब एक आदमी धागा को लेकर जुटा था, मर खर 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 कर। मैं मन में ये सोच रहा था कि जब तुम बराहुरी बनवा रहे हो, थ्रेडिंग करवा रहे हो, लिपस्टिक लगा रहे हो, लड़कियों लड़कों की लिपस्टिक लगाती है, लिपबाम बोलते हो उसको, पता नहीं क्या क्या, जब तुमको सब यही करना है तो काम करो, लड़कियां बनकर नथुनी और पहन लो, खराबी क्या है? आज का लड़का लिपस्टिक पाउडर डेंटिंग पेंटिंग सब कर रहा है, सर लड़का वो है जो टफ रहे। टफ का मतलब जो जो तेल बाल में लगा वही मुंह लग गया। डेंटिंग पेंटिंग का मिनट ऊपर छोड़ दिया जाए ना, हम भी सब कुछ करेंगे वो क्या करेंगे? हाँ, क्या जरूरी है पाड़ी जी? दिमाग खराब हो रही, इधर कोई मामला नहीं है, इधर चाहे जैसे चले जाओ, मुंह खाए खड़ा खड़ कर, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है तुमको, चाहे जो करो कोई दिक्कत नहीं। वहां खूब बारिश हो रही है, वहां खूब बारिश हो रही है। संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक मतलब एक बात दूसरे बात पर निर्भर हो, ऐसा है नहीं वहां खूब बारिश हो रही है। निषेधवाचक, बारिश नहीं हो रही है, ये क्या हुआ? निषेधवाचक। संदेहवाचक, शायद बारिश हो रही है, वहां बारिश हो रही है ना। विस्मयवाचक, है ना, कहीं नहीं जाना, जब ये निशान लगा हो तो डायरेक्ट विस्मयवाचक की तुमको ढूंढना है, ऑप्शन लगा देना है, ऑप्शन डी 16 नंबर प्रश्न। क्लियर है? आगे आइए, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने कहा प्रश्न है, तुम यहां क्यों आए हो? तो मैं यहां पढ़ने आया हूं। जैसे तुमने कहा मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, सरल बात हो जाएगा, शायद मैं पढ़ने आया हूँ, अभी कंफर्म नहीं है पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। आधे ज्यादा लोग इसी कंफर्मेशन नहीं है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, शायद मैं पढ़ रहा हूँ। संदेहवाचक, क्या मैं पढ़ूंगा? प्रश्नवाचक, तुम पढ़ रहे हो या मैं पढ़ रहा हूँ? विधानवाचक, मैं पढ़ रहा हूँ, सरल वाक्य हो गया, विधानवाचक हो गया। कोई नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो क्या हुआ? कोई नहीं तो भैया बता दे दो, कोई नहीं चौथा उत्तर ना, कोई नहीं ना, तो कोई नहीं काट दिया हमने, बचा कौन? प्रश्नवाचक। तुम यहाँ के जहां तुमने क्वेश्चन मार्क देखा, पहले समझिएगा, जहां तुमने क्वेश्चन मार्क देखा, प्रश्नवाचक तुमने देखा, कोई और वाक्य नहीं हो सकता प्रश्नवाचक को छोड़कर, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कब आओगे? तुम्हारी तबीयत कैसी है? पिता तबीयत कैसी है? वह यहाँ क्यों आया है? क्या क्या तुम आ रहे हो? ये सब किस में चला जाएगा? प्रश्नवाचक। ये क्या ऑप्शन हो जाएगा 17 का? ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे बढ़िए, 19 नंबर। यहाँ पे कार्य होने या ना होने की बराबर की संभावना हो, जहां पर वाक्य में कार्य होने अथवा न होने की बराबर की संभावना हो, उसे क्या कहा जाएगा? संदेहवाचक। काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और जहां काम न होने की संभावना हो, निषेधवाचक। जहां काम न होने की संभावना हो वहां क्या होगा? निषेधवाचक। जहां काम होने की और न होने की बराबर की संभावना हो वहां हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक।
संकेतवाचक नहीं होगा, आज्ञावाचक नहीं होगा, संदेहवाचक सही है, प्रश्नवाचक नहीं होगा। ऑप्शन सी। इतनी देर से बता रहा हूं, समझ में आ चुकी होगी सारी बातें, वाक्य बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपका। अब उदाहरण अगर आपका आ भी जाएगा और क्वेश्चन पूछेगा कौन सा है, तब बता लेंगे आराम। ठीक, आपका वाक्य पूरा खत्म हुआ, इसके सिवा और कुछ नहीं है इसमें। आज के लिए इतना ही, वाक्य कंप्लीट हो गया। कल हमारी अपनी परिचर्चा जो होगी उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा बड़ा पाठ है हिंदी का, ईमानदारी से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।